बंधुओं प्रणाम। मैं आशुतोष अग्निहोत्री न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में बात करूंगा सलमान खान को मिल रही धमकियां और शनिवार की सुबह करीब 5 बजे तो इस बार दो लोगों ने उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जाके गोलियां तक चला दी। उनकी बालकोनी तक गोलियां जो है उसके निशान मिले, कुछ एक खोखे भी वहां मिले। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें सीनियर जर्नलिस्ट नीतीश। नीतीश जी का इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस सब पर काफी काम किया है। उनसे हम इस सारे मामले में कुछ ज्यादा पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि ये है क्या। नीतीश जी, आखिर बार बार सलमान खान को बॉलीवुड में क्यों टारगेट किया जा रहा है? सर देखिए, सबसे पहले सर आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज जो विषय है उस पर बात करते हैं, सलमान खान को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, सलमान खान पिछले कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं और 2023 में उनके मैनेजर को एक ईमेल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी थी और कहा था कि जो ब्लैक बक का मामला हुआ था, जो वहां पर हम साथ साथ हैं कि शूटिंग चल रही थी 1998 में, उसमें एक शिकार किया गया था ब्लैक बक का। उसमें पूरी टीम थी जिसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर, तब्बू, उसमें सैफ अली खान थे, उसमें सलमान खान थे, पूरी टीम पर ये आरोप लगा था। लेकिन जो आरोपों की जो सुई थी, ये कहा गया था कि सलमान खान ने उस ब्लैक बक को मारा है। उसके बाद से ही जोधपुर की अदालत में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनको जेल भी जाना पड़ा, कई बार उनकी पेशी भी हुई। अब जो नया एक चेहरा 2022-23 से वो पिक्चर में आया, वो था लॉरेंस बिश्नोई का। जी हाँ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसने सलमान खान को पहली बार 2023 में एक ईमेल के जरिए धमकी दी कि आप जो आपने ब्लैक बक मारा है, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो बीकानेर के जो बिश्नोई समाज का जो कुल मंदिर है गुरु जांबेश्वर का, वहां जाकर माफी मांग लो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। उसके बाद कई न्यूज चैनल्स ने भी इंटरव्यू किया, पेशी के दौरान इंटरव्यू किया, उसके बाद एक आध न्यूज चैनल ने जेल से ही उसका इंटरव्यू किया। उसमें भी उसने साफ तौर से धमकी दी कि सलमान खान अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसको कोई बचा नहीं सकता चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। जाहिर तौर से उसके बाद सलमान खान की सिक्योरिटी काफी पुख्ता कर दी गई है। देखिए, जहां तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सवाल है, इसका अगर बैकग्राउंड हम लोग देखें तो लॉरेंस बिश्नोई दरअसल पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है और ये अपराध की दुनिया में 2010-2011 से आया, जब इसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, वहां के जो कॉलेज पॉलिटिक्स में वो एक्टिव हुआ और उसके बाद गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर्स के, उस समय ये लोग अपराध की दुनिया में नहीं थे, लेकिन उस समय से ही, कॉलेज के जमाने से ही ये एक ग्रुप बनाकर ये छोटे मोटे जो अपराध करने लगा। इसके खिलाफ 19 साल की उम्र में जो है पहला एफआईआर हुआ, उसके बाद से फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसने जग्गू भगवानपुरिया, वो भी एक अंडरवर्ल्ड डॉन है या उसको कहें गैंगस्टर करें, उसकी शागिर्दी में इसने अपराध के गुर सीखे और उसके बाद फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जिस तरह से 2022 में सिद्धू मूसावाला की हत्या के बाद से एकदम से ये लाइमलाइट में आ गया, जो आप जानते हैं कि सिद्धू मूसावाला को की मौत के बाद गोल्डी बरार ने, जो कि इसका एसोसिएट है, इसका दोस्त भी रहा है कॉलेज के जमाने में, जो कनाडा में उस समय था, उसने सिद्धू मूसावाला की मौत, हत्या की जिम्मेदारी फेसबुक पर ली। उसके बाद कई ऐसी हत्याएं इसने की लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने, जिसके बाद से लगातार सुर्खियों में आता रहा। इसके बाद आपने अभी देखा होगा कुछ दिनों पहले कि इसने अभी सलमान खान पर हम लोग आते हैं, जो गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो अभी फायरिंग हुई है उस पर हम लोग बाद में आते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, ये पिछले साल की बात है, कि तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया जो कि नीरज बवाना गैंग का था,
उसकी हत्या इसने योगेश टुंडा, राजेश काला और दो और गैंगस्टर के जरिए इसने तिहाड़ जेल के अंदर ही इसकी हत्या करवा दी। इसके बाद वीडियो भी नीतीश चला था, बहुत ही ग्रूसम मर्डर था वो, तिहाड़ के अंदर ग्रूसम मर्डर की बात जी। और इसके बाद तिहाड़ की पुलिस, तिहाड़ के जो सिक्योरिटी थी उसके सामने जो है उसका मर्डर होता रहा, वो लोग देखते रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पैठ है, कितना इसका जो है दबदबा है अपराध की दुनिया में, किस तरह का इसका नेटवर्क काम करता है। जेल के अंदर भी इसका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह से पहले ये टीवी चैनलों पर जेल के अंदर से ये इंटरव्यू देता रहा है, इसके पास मोबाइल फोन कहाँ से आया, कैसे है, ये सारी चीजें बताती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है। तो जाहिर तौर से टिल्लू ताजपुरिया का इसने मर्डर किया, इसके बाद इसने सुखा का मर्डर करवाया कनाडा में, उसकी जिम्मेदारी भी इसने ली। तो जाहिर तौर से जो ये ऑपरेट करता है, जिस तरह से ऑपरेट करता है, देखिए इसका जो गठजोड़ है, इसने 5-6 गैंगस्टर्स का एक गठजोड़ अलग अलग भारत के हिस्से में बना के रखा, अलग अलग राज्यों में बना के रखा है। मसलन कि आप देखिए हरियाणा में इसका गठजोड़ है काला जठेरी के साथ, इसका राजस्थान में आनंदपाल के साथ इसका गठजोड़ है, और रोहित गोदारा का, रोहित गोदारा के बारे में आपको बताऊं, देखिए जो सुखदेव सिंह जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या राजस्थान में इसी ग्रुप रोहित गोदारा ने करवाई थी, वो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है एक अहम सदस्य है, और कहा जाता है कि अभी वो यूके में है, हालांकि वो समय समय पर अपनी पोजीशंस जो है बदलता रहता है, कभी वो पुर्तगाल में रहता है, उसका जो लोकेशन ट्रेस किया जाता है कभी किसी कंट्री में कभी किसी कंट्री में। तो जाहिर तौर से सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका बहुत तगड़ा नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का चल रहा है। और अभी इसने जहां तक बात है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर, लॉरेंस बिश्नोई को अच्छी तरह से पता है कि सलमान खान की जितनी सुरक्षा है उससे उसको अभी भेदा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको उनको सलमान खान को कहीं शूटिंग भी करते रहते हैं तो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है, तो उनको वहां तक पहुंचना आसान नहीं होता है, और कई तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि सलमान खान को यह एहसास दिलाया जाता रहे कि हम तुम्हारे लगातार तुमको ट्रैक कर रहे हैं, उसने ये फायरिंग करवाई। जो सीसीटीवी फुटेज आया है और उसमें जो दो लोग फायरिंग करते हुए दिखे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज का जब एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि जो गैंगस्टर था, वो गैंगस्टर उसका नाम जो है विशाल राहुल है, और वो गुरुग्राम का रहने वाला है, और वो काला जठेरी गैंग का है जिसके साथ टाई अप है इसका। इसके कई, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में जो है इसके टाई अप्स है, उसके जरिए ये अपराध को अंजाम देता है। दिल्ली में इसके पहले इसका टाई अप था जितेंद्र गोगी गिरोह के साथ, जिसको नीरज बवाना ने मरवा दिया था, और नीरज बवाना ने उसको टिल्लू ताजपुरिया के जरिए मरवाया था, और उसी का बदला लिया लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया को मरवा कर। तो जाहिर तौर से अभी भी वो सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, और वो लगातार बयान देता रहता है। उसके जब मुंबई में उसके कई कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं, पुलिस ने उसके ट्रैक किए हैं, उसमें भी वो लगातार कहते रहता है कि सलमान खान को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जाहिर तौर से सलमान खान कुछ और लोग में, और ये आपको आशुतोष जैसा पता है कि अभी जी आशुतोष आप कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं अब आना चाहता हूँ नीतीश जी, इतना बड़ा वो गैंगस्टर हो चुका है, मुझे जानकारी मिल रही है कुछ सोर्सेस ने बताया कि अब वो अभी तक उसका जो है वो नेटवर्क या एरिया है दिल्ली NCR या राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एटसेट्रा, लेकिन बार बार वो सलमान को टारगेट करके, सलमान एक टावरिंग पर्सनालिटी है, पॉपुलर है, और बॉलीवुड के अंदर या मुंबई के अंदर वो एक पर्सनालिटी फिगर है, क्या वाकई में उनको धमकी देने का या उन पर हमला करने की बात कह के वो ब्लैक बग या काले हिरन के शिकार का ही कारण है, या मुझे यह बताया जा रहा है कि अब लॉरेंस बिश्नोई इस इलाके से निकल के, दिल्ली NCR हरियाणा से निकल के, वो मुंबई और आसपास गुजरात, मुंबई गुजरात को अपना एरिया बनाना चाह रहा है, ताकि जो उगाही अभी तक मुंबई से होती थी और दुबई या पाकिस्तान जाती थी,
आप समझ रहे होंगे कहां जा रही है, दुबई या पाकिस्तान में, मतलब दाऊद को, या दाऊद करवाता था। दाऊद के उस वर्चस्व को तोड़ने की एक कोशिश है बिश्नोई की कि मुंबई अब दाऊद का नहीं रह गया है, बहुत पुरानी बातें हो गई हैं, अब बिश्नोई की एंट्री हो रही है मुंबई के अंदर और वसूली बिश्नोई करेगा वहां पे। कितनी बात, इस बात में कितनी आपको जो है दम नजर आता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये लगातार अपने टेंटिकल्स को फैलाता जा रहा है, और ना सिर्फ इंडिया में। अभी देखिए, इसका एक कजन है, उसका नाम है सचिन बिश्नोई, वो भी, उसका नाम भी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में आया था। उसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो मुहैया कराया था शूटर्स को, और सचिन बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बाकू से, अजरबैजान, जो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, वहां से अरेस्ट करके, वहां से पकड़ के दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम जो है यहां पर लेके आई है। और अभी जो सलमान खान का, जो अभी आपका, आपने देखा कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो गोलीबारी हुई, उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली। अनमोल बिश्नोई का ही के जो है कनेक्शंस है रोहित गोदारा से, रोहित गोदारा का जो शूटर है वही है ये विशाल राहुल, जो उसी का शूटर है। तो आप देख सकते हैं कि अनमोल बिश्नोई इंडिया में नहीं है, फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो बाहर है, कहां पर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है। रोहित गोदारा भी बाहर है, तो जाहिर तौर से बहुत पहले से। और ये लॉरेंस बिश्नोई बार बार कई इंटरव्यूज में अपने कह चुका है, जब उसको पेशी के लिए ले जाया जाता है और वो दाऊद इब्राहिम या एक्सटॉर्शन कॉल करता है, उसमें वो साफ तौर से कहता है कि अब दाऊद का जमाना नहीं गया, दाऊद है ना, हम जो है इस पर हुकूमत करेंगे। वो कई बार कह भी चुका है कि दाऊद वगैरह तुझे कोई नहीं बचा सकता, और अब जो है लॉरेंस बिश्नोई ने कहा अगर तू नहीं मानेगा तो फिर तू जान से गया। ऐसे कई एक्सटॉर्शन कॉल्स जो है वो पुलिस ने, बोलते जिस फेसबुक पोस्ट की बात कर रहे हैं, उस फेसबुक पोस्ट में भी अनमोल ने यही लिखा है कि तुम्हारा जो है भगवान है छोटा शकील और दाऊद, तो ये समझ लीजिए पहली और अंतिम चेतावनी है आपको। तो उसने नाम लिया उसमें दाऊद, मतलब ब्लैक बक वाला तो मुझे लग रहा है कुछ डाइवर्ट करने की कोशिश है उसकी, एक्चुअल रीजन ब्लैक बक नहीं है ये, मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश, डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं आशुतोष, वो सही में वो देखिए खैरख्वाह बनना चाहता है। उसने जितने अपराध किए हैं, जिस तरह की उसकी छवि है, तो अपनी कम्युनिटी में वो अपना एक इंप्रेशन बनाना चाहता है। ये वो मार के सलमान खान को ना, एक तो लाइमलाइट उसको मिलता है, कोई बड़ा हत्याकांड अगर करता है सलमान जैसे मेगा स्टार को अगर वो मारेगा तो वो लाइमलाइट में रहेगा, इस तरह के जो है। लेकिन इसको जो सिंपली अगर आप पुलिस वालों से बात करेंगे, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, चाहे आप एनआईए के लोगों से आप बात करें या फिर आप जो है जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग बात करें, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोगों से बात करें, वो आपको साफ तौर से कहते हैं कि ये देखिए ये सिर्फ ये धमकी या गिदड़ भपकी नहीं देता है, थ्रेट जो है बहुत सीरियस है। शायद इसी वजह से एनआईए ने गृह मंत्रालय को ये रेकमेंड किया था कि जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो नीरज बवाना हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, इन सब को अंडमान निकोबार की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये थ्रेट जो है सिर्फ ये प्रोपेगेंडा या सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए नहीं कर रहा है, ये एक तो इसको पता है कि एक तो ये अपने सोसाइटी उसके लिए समाज के लिए कुछ करेगा, अपना इंप्रेशन बनाना चाहता है। दूसरा, आपने जो बात कही कि अंडरवर्ल्ड को रूल करना चाहता है, तो जाहिर तौर से अंडरवर्ल्ड वाली बात तो है ही, बिल्कुल ये पूरे देश में यहां पर छा जाना चाहता है, और इसने ऑलरेडी विदेशों में अपना नेटवर्क जो है बना लिया है, और अजरबैजान, तुर्की जैसे देशों में भी इसका अच्छा खासा नेटवर्क है। जो अगर आप बात करेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों से तो वो बताते हैं, शायद इसी वजह से जो सचिन बिश्नोई है बाकू में, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा नेटवर्क है वहां पर अजरबैजान में, और इसी वजह से उसका भाई जो कजन है सचिन बिश्नोई, उसने वहां पर जाके शरण ली थी। तो जाहिर तौर से वो अंडरवर्ल्ड को, दाऊद की जो सत्ता है उसको चैलेंज तो कर ही रहा है, लेकिन इसके थ्रेट को, जिस तरह का इसका स्टैचर हो गया अपराध की दुनिया में, उसको हल्के में लेना, वो जो है वो किसी भी तरह से जो है हल्के में नहीं लिया जा सकता उसकी धमकी को। नीतीश, आप इस फील्ड में, या आप कहें इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप कवर कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी कवर कर रहे हैं, और आपकी इतनी डीप नॉलेज है, लॉरेंस बिश्नोई की ये कोशिश जो है, या सीधे सीधे हम कहेंगे ओपन चैलेंज एक है दाऊद, अभी तक
हिंदुस्तान देख लें या साउथ एशिया में देख लें, हम मैक्सिको वगैरह की बात नहीं जाते, वहां के गैंगस्टर जो है डिफरेंट नेचर के हैं, लेकिन इस एरिया में दाऊद से बड़ा गैंगस्टर शायद नहीं है और उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है बिश्नोई। आपको लगता है कि ये इतना बड़ा हो चुका है, इसमें कामयाब हो जाएगा, या कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह दाऊद का छोटा राजन के साथ जो है गैंग वार चला और अल्टीमेटली छोटा राजन खैर तिहाड़ जेल में आपको पता है, तो बिश्नोई के साथ भी कहीं ये गैंग वार लंबा चलेगा या बॉम्बे में फिर एक बार जो है बिश्नोई वर्सेस दाऊद गैंग वार शुरू नहीं हो जाएगा? देखिए आशुतोष, मैं एक चीज आपको और बता दूं, ये जब ये बात कहता है ना कि छोटा, जैसे आप अनमोल बिश्नोई की बात आपने की, किसने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि दाऊद और जो छोटा राजन जैसे लोग जिसके भरोसे हो तुम, जो तुम्हारा जो गॉड है अब उसको भूल जाओ, कोई नहीं बचाएगा, तो इसका साफ तौर से इशारा था नीरज बवाना की तरफ। ऐसा माना जाता है ना कि नीरज बवाना ऑलरेडी जो है दाऊद के संपर्क में है और वहां पर जो फजलुर रहमान था, जो जेल में जो एक गैंगस्टर था फजलुर रहमान, उसके दाऊद से बहुत ही क्लोज रिलेशन थे और कहा जाता है कि वो नीरज बवाना का मेंटोर है और उसी ने दाऊद के दुबई में और तमाम जगहों पर नीरज बवाना की जो एंक्विंटेंसेज है वो जान पहचान करवाई अलग अलग जो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर सबसे। तो जब ये लॉरेंस बिश्नोई ये बात कहता है तो वो उसका इशारा ना सिर्फ नीरज बवाना की तरफ है जिसके दाऊद गैंग से अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं, बल्कि वो अपने प्रेजेंस को जो है बढ़ाना चाहता है और वो मुंबई के गैंगस्टर, देखिए आपको जैसा मैंने बताया कि इसका जो बिजनेस मॉडल, इसको वो बिजनेस मॉडल कहता है, जिस तरह से ये अपना जो है कोऑर्डिनेशन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट गैंगस्टर्स के साथ साथ, उसके ये पहले उनके साथ कोलैबोरेट करता है, उनके शूटर्स के जरिए किसी को एक्सटॉर्शन की धमकी देता है और एलिमिनेट कराता है। तो इसका जो प्रेजेंस है वहां के, ये मुंबई में भी कई जो गैंग्स अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर चुका है, अभी उन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं लेकिन कई लोगों के साथ ये कोलैबोरेट कर चुका है और मुंबई में जो भी जो धमकी दी जाती है वो लॉरेंस बिश्नोई की, वहां का जो डॉन है उससे इसने कोलैबोरेट करके रखा है। तो जाहिर तौर से ये ऑलरेडी अपना पैर जो है पसार चुका है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि लॉरेंस कई जैसा कि इसका प्लान है और जिस तरह से ये जा रहा है कि कई जो बिल्डर्स को या फिर वो लोग जो कि दाऊद गिरोह के हैं उनको ये धमकी देगा वहां के अंडर, मतलब वहां मुंबई बेस्ड गैंगस्टर्स के जरिए, क्योंकि इसका ये कोलैबोरेट करता है हर स्टेट में। रोहित गोदारा भी आप देखिए राजस्थान का रहने वाला है, उससे भी इसने कोलैबोरेट किया, उसको कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही है। लेकिन काला जेठानी जैसे मैंने हरियाणा में बताया, उसकी वाइफ अभी उसने अनुराधा चौधरी से शादी की, अनुराधा से शादी की है कुछ दिनों पहले काला जेठानी ने। तो जाहिर तौर से अगर किसी कोई गैंगस्टर जो है जेल में है तो वो उसकी वाइफ उसके जरिए वो काम करवा रहा है, तो इस तरह से ये अपने टेंटिकल्स को फैला रहा है और ये बेताज बादशाह जो है अंडरवर्ल्ड का ये बनना चाहता है। तो फिलहाल देखिए अभी तो कई ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो इसको चुनौती दे रहे हैं, जैसे अर्श डल्ला है कनाडा में जो खालिस्तानी है टेररिस्ट है, वो एनआईए की लिस्ट में भी है, जो 41 टेररिस्ट की लिस्ट है उसमें अर्श डल्ला भी है जो खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर बाकायदा खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है और खालिस्तान में रहकर गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जो ये पूरा एजेंडा है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो अर्श डल्ला ने भी कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी थी कि हम देख लेंगे तुमको एलिमिनेट करवा देंगे और कुछ दिनों पहले, तो जाहिर तौर से ये गैंग वॉर तो चल ही रहा है। अब उसमें सवाल है कि नीरज बवाना भी ये मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई भी एलिमिनेट करना चाहता है नीरज बवाना को जो कि दाऊद का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है दिल्ली के अंदर। तो जाहिर तौर से धीरे धीरे ये या तो लॉरेंस बिश्नोई, हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर भी हमला हो, किसी दिन कोई मौका मिल गया अगर वो हमला करा रहा है तो नीरज बवाना के भी कहा जाता है कि काफी अच्छा नेटवर्क है, तो हो सकता है किसी दिन इसके ऊपर भी हमला हो जाए और हो सकता है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते गैंग वॉर में कभी भी कोई भी एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये जा रहा है इसका एम है कि ये अंडरवर्ल्ड का किंग बने। और दूसरा दाऊद जो है काफी कमजोर पड़ चुका है, वो बीमार रहता है दाऊद, खुद से जो है पूरे ऑपरेशंस को सुपरवाइज नहीं करता कर पा रहा है। दूसरा देखिए दाऊद सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट ISI के लिए क्यों है दाऊद, मैं आपको थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहा हूं कि देखिए दाऊद अभी ISI के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो कर कुछ नहीं सकता, इतना बीमार रहता है दाऊद,
सिर्फ इस वजह से इंपॉर्टेंट है आईएसआई के लिए या पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी मैं बता रहा हूं कि देखिए उसके जो उसकी जो पकड़ है पॉलिटिशियन से लेके पाकिस्तान के आईएसआई से लेके आपके जो आर्मी तमाम तबके के अंदर है और उन सब की जो है मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है, उनके जो पैसे को काला जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करता है। अगर दाऊद मर जाएगा तो उसके साथ वो सारे राज और उनके पैसे जो है वो सारे पॉलिटिशियंस आर्मी के लोगों के और आईएसआई के लोगों के उसके साथ ही उसका पैसा भी दफन हो जाएगा। तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर उसकी बात करें कि वो काफी एक्टिव है तो अब जो है उसका प्रभाव मुंबई में भी काफी कमा है और जिस तरह से प्रोएक्टिव स्टेप्स मुंबई पुलिस ने लिए हैं और जिस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो एक्टिव हुई है और साथ में जो इंटेलिजेंस एजेंसी भी जिस तरह से ताकतवर हुई है, नया जो सेटअप बिल्कुल आपने देखा होगा कि देश में जिस तरह कोई भी वारदात होने के पहले ही अभी पिछले कुछ सालों से देश में कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट या उस तरह की चीजें जो नहीं हुई है, तो जाहिर तौर से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काफी जो वो ताकतवर हुई है, उनके रिसोर्सेज भी बढ़े हैं और दाऊद का समय के साथ साथ जो है उसका इन्फ्लुएंस भी काफी कमा है। इसी का फायदा उठाकर ये मुंबई में जो कि अंडरवर्ल्ड का गढ़ माना जाता था इंडिया में, वहां पर अपनी पहचान बनाना चाहता है और इस कड़ी में जो नीरज बवाना जैसे लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं दाऊद गिरोह को इंडिया में ऐसा माना जाता है कहा जाता है, उन सबको एलिमिनेट करके ये आगे बढ़ना चाहता है। दीजिए, आपने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में या मुंबई के डॉन के साथ कोऑर्डिनेट करके जैसे बाकी स्टेट्स में कोऑर्डिनेट करता है अपने अपने उसने डेलीगेट कर रखे एरिया, तो मुंबई में भी आपने कहा वहां के डॉन, अब वो डॉन कौन है ये नाम अभी सामने नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक जमाने में आपको याद होगा ये बॉलीवुड में बड़ी फिल्में बनी कि मुंबई का डॉन कौन, दाऊद इब्राहिम एक ही नाम आता था। तो मुंबई से इसका मतलब दाऊद का अब कारोबार सिमट चुका है, दाऊद की जगह रिप्लेसमेंट कोई ले चुका है वहां पर, अब दाऊद का वैसा कुछ भी नहीं रहा मुंबई में जो 91 में हुआ करता था। जी जी बिल्कुल, देखिए ये तो एक सक्सेशन पीरियड चला जो सिलसिला हाजी मस्तान से शुरू हुआ था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, उसके बाद फिर ये जाकर बीच में अरुण गबली जैसे लोग आए, फिर उसमें आपका एक इंजीनियर था मैं उसका नाम भूल रहा हूँ सुमित खटाऊ या वो था मैं वो भी मारा गया, दो भाई थे उसमें अमर नायक और उसका भाई था, अमर नायक के मारे जाने के बाद जो फिर सुमित नायक ने उसकी मतलब कमान संभाली थी उसकी जो दुनिया थी उसका कारोबार, फिर वो मारा गया, फिर उसके बाद जो है छोटा राजन वो फिर बाली से जो है गिरफ्तार हुआ वहां से लेके आए, फिर अंडरवर्ल्ड में फिर जिस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कार्रवाई करनी शुरू की, दाऊद की कई प्रॉपर्टीज उसको नीलाम कर दिया गया, फिर पहले सीबीआई ने उसके बाद फिर जो एनआईए वगैरह ने टेररिस्ट और जो गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड का जो नेक्सस है उसको कई जगह पर छापेमारी करके उसको बुरी तरह से तोड़ दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई पर भी ये जो पूरे जो गैंगस्टर हैं जिसके जिनके बारे में मैंने आपको कहा नीरज बवाना और ये अर्श डल्ला और आपका लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बरार, इन सब के भी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं और जो ठिकाने हैं इनका जो नेक्सस चल रहा है अलग अलग स्टेट्स में, आपने देखा होगा पिछले 6-7-8 महीनों के दौरान जबरदस्त छापेमारी की है इनके प्रॉपर्टीज को, इनके जो ठिकाने हैं उन सबको जो है ना एनआईए ने सैनिटाइज कर दिया है, वहां से कई तरह की रिकवरीज वगैरह भी हुई है, तो इनका इनका भी जो गठजोड़ है उसको भी तोड़ने का काम देश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो कर रही है। लेकिन जिस तरह से अभी ये जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई इन सब के बाद भी इसका देखिए नेटवर्क टूटा नहीं है और लगातार ये जो है अपना टेंटिकल्स जो है फैलाता जा रहा है, तो उससे ये पता चलता है कि कुछ ही समय में इसने अपना अभी इसकी उम्र देखिए 19 साल की उम्र में ये इसने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था, पहली एफआईआर 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी ये तकरीबन 9 साल से 10वां साल है उससे जेल में है, 31 साल इसकी उम्र है, 31 साल की उम्र में जितना इसने नेटवर्क बना लिया और सारा सबसे हैरानी की बात है जेल के अंदर रहते हुए 9 साल से तो ये जेल में है, तो इन सब के बीच में नेपाल से इसको बीच में मैं यही सवाल लेके आपके पास आना चाहता था कि दाऊद तो देखिए मुंबई पुलिस की पकड़ में कभी आया नहीं, जब मुंबई पुलिस की नजर गई 91 में ब्लास्ट हुए सीरियल ब्लास्ट हुए तब तक वो निकल चुका था 93। लेकिन बिश्नोई जो है वो अभी इंडिया के अंदर है, जेल के अंदर है, दाऊद पाकिस्तान कभी दुबई या बाहर से ऑपरेशंस करता था, हमारी पकड़ में नहीं आया, बिश्नोई हमारे पास है उसके बाद वो जेल के अंदर से सारे ऑपरेशन कर रहा है। तो
अब देखिए, बिना पुलिस या फोर्सेस की हम कहेंगे कि कंसेंट अगर ना कहें तो जानकारी, उनको जानकारी तो होती होगी कि बिश्नोई जेल के अंदर क्या, वो उसका इंटरव्यू हो जाता है। अब बताइए, जेल के अंदर कैमरा जाएगा, कैमरा अलाउड नहीं होता है अंदर, सब कुछ, इसका मतलब कि पुलिस को पता था कि कौन इंटरव्यू करने जा रहा है। तो इसका मतलब पुलिस की नॉलेज में ये सब हो रहा है जो बिश्नोई कर रहा है, सलमान परो को धमकियां दे रहा है, वहां गोली चल जाती है गैलेक्सी अपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं वो जहां भी है वहां की पुलिस को तो पता होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए बिल्कुल, देखिए आशुतोष, बहुत सारी चीजें बताना जो है उचित नहीं होगा, कैमरे पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन उसको पब्लिकली जो है कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, कैसे जो है उसका नेटवर्क चलता है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या क्या कैसे ऑपरेट ये कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इतना मैं जरूर बता सकता हूं कि इसकी जो पहुंच है, इसकी जो जड़ें काफी गहरी हैं, चाहे किसी भी महकमे में हो। अब मैं क्या कहना चाहता हूं आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसके बारे में मुझे पता है कि क्या कैसे इंटरव्यू कराया जाता है या फिर किस तरह से ये अप्रोच करता है, लेकिन ये जाहिर तौर से इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें हो जाएंगी और वो सवाल उठने लगेंगे। बस एक चीज में, क्या आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी है इसको, कहीं ना, मैं किसी पार्टी के, मैं नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी का नाम लीजिए, लेकिन कोई राजनीतिक इसको बैकिंग है? देखिए राजनीतिक, आप खुद अगर लॉरेंस बिश्नोई से अगर आप पूछेंगे तो लॉरेंस बिश्नोई जो मना करता है कि उसको कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज नहीं है, वो साफ तौर से कहता है कि अगर उसको कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज रहता तो अभी 9 साल से जो है वो जेल में नहीं रहता। तो लेकिन देखिए, जो ये पूरा सिस्टम और पूरा नेटवर्क काम करता है, आप भी जानते हैं, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और इस पूरे सिस्टम जो है बिना किसी सपोर्ट के जो है चल नहीं सकती। उसके लिए जब तक चारों चौतरफा सपोर्ट नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा, तब तक ये पूरा का पूरा जो है वो ऑपरेशन जिस तरह से वो अंजाम देता है वो काम नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इसको पेट्रोनेज है, कुछ लोग जरूर होंगे जो इसको पेट्रोनेज दे रहे हैं, उनके हो सकता है कि महकमे में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ हो और उसके जरिए उनके एंड को वो सर्व कर रहा हो, उनके एंड को सर्व कर रहा हो सकता है। देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, बस एक जनरल बात मैं कहता हूं, जनरल बात कहता हूं। देखिए कहा जाता है ना कि इंटेलिजेंस की दुनिया में एक वर्ड होता है, असेट कहा जाता है, ठीक है, असेट कहा जाता है। तो कई बार जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वगैरह जो है ना, वो किसी ना किसी गैंगस्टर को जिसकी पकड़ होती है, मान लीजिए कि किसी की पकड़ है, किसी के दुबई में बहुत बड़े गैंगस्टर से उसका पेनिट्रेशन है, उसकी जान पहचान है, कोई क्रिमिनल जो देश की जो है जेल में बंद है, ऐसा वाकया जो है मैं कभी आपसे पर्सनली शेयर करूंगा। मेरे साथ हुआ है एक वाकया, तो जिसके इसकी इसी वजह से मुझे इस बारे में जानकारी है, तो उसको भी असेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना देश के जो दुश्मन है उसके बारे में इन लोगों को पता रहता है, जो गैंगस्टर्स रहते हैं कहीं ना कहीं किसी को उन सब के बारे में पता रहता है, तो इन सब का भी इस्तेमाल एक असेट के तौर पर बाहरी जो दुश्मन है, देश के जो दुश्मन है उनको एलिमिनेट करने के लिए करना पड़ता है। तो उसके एवज में कुछ पेट्रोनेट जो है ना, कुछ हल्की फुल्की जो रियायत दी जाती है फोन से बात करने के लिए, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसा हो सकता है, मुझे ये नहीं पता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इस तरह की चीजें अगर हो रही हो, अगर होती ये होती हैं, अगर इसके साथ भी हो रही हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वाइस वर्सा आप देखें तो लॉरेंस बिश्नोई को भी बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत राइवल्स उसने पाल रखे हैं, आप बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस अपनी मर्जी से ही जेल के अंदर पहुंचा हो या बैठा है? देखिए आशुतोष, एक बात तो तय है कि लॉरेंस जो है जिस जहां भी है लॉरेंस, वो पूरी तरह से अभी पुलिस सिक्योरिटी में है, एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल है, तो वो जाहिर तौर से वहां जेल में जो है सुरक्षित महसूस करेगा अपने को। उसको लग रहा होगा कि जब मैं जेल के अंदर रहकर अपने तमाम चीजों को अंजाम दे सकता हूं और यहां पर मुझे 3 लेयर की सिक्योरिटी है, जैसा
उसने एक इंटरव्यू में एक टीवी चैनल को बताया था कि जहां पर वो रहता है जिस सेल में बंद है उसके आगे जो है आपको पूरा बैरिकेडिंग, वो पूरा जाली लगा हुआ है, पूरा लोहे की जो है ना रॉड के साथ जो दरवाजा लगा हुआ है, उसके बाद एक और दरवाजा है, मतलब थ्री लेयर सिक्योरिटी टाइप का है जैसा उसने बताया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस सिक्योरिटी के बीच में भी फोन से वो इंटरव्यू दे रहा है, तो किस तरह से वो सुरक्षित है वहां पर, कैसे फोन उसके पास उस तीन लेयर सिक्योरिटी में पहुंचा होगा। तो जब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेट्रोनेज नहीं है और वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता है और उसको किसी का असिस्टेंस नहीं है, पेट्रोनेज नहीं है, तो जाहिर तौर से अकेले तो ये काम हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से ये चीजें हो रही हैं, जिसके बारे में मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रही है, मेरा अंदाजा है ऐसी चीजें होती हैं, एजेंसीज यूज करती हैं, तो हो सकता है इसके साथ हो रहा, मुझे पता नहीं, मैं बस एक एक्सपीरियंस के आधार पर अपना एक बस गेस वर्क कर रहा हूं। एक आखिरी चीज मैं चलते चलते पूछूंगा, और चूंकि इंफॉर्मेशन बड़ी चौंकाने वाली है, अभी तक सामने आई भी नहीं है, मैं काफी देर सोचता रहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं या ना करूं, या पूछूं ना पूछूं, लेकिन अब मैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे भी एक क्रॉस चेक कर लूं या पूछ लूं, आप अगर बताने की स्थिति में हो तो बताइएगा। इस बात में कितना दम है कि सलमान खान ने ब्लैक बक की हंटिंग की ही नहीं थी, शिकार सैफ अली ने किया था, और चूंकि अमृता उसमें प्रेग्नेंट थी, उनकी पत्नी फर्स्ट वाइफ, तो एक म्यूचुअल वहां पे अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई कि हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, सैफ की फैमिली उस समय, और सलमान ने उसको ओन कर लिया। इसमें आपको भी क्या है? जी देखिए, ये बातें हैं जो तरह तरह की बातें जो आप जानते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, इस तरह की कई तरह की चीजें बातें चलती हैं जिनका कोई पुख्ता सबूत नहीं होता, जिसका कोई आधार नहीं होता। अब कोई क्या, इसमें कई तरह के सवाल उठेंगे, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं किसी भी तरह की। अगर ये इस तरह की बातें हैं कोई है तो उसके सबूत तो आने चाहिए थे। और क्यों सलमान खान जो है, क्या सलमान खान इतने बड़े दिल वाले हैं, हालांकि उनको कहा जाता है कि बड़े दिल वाले हैं वो सलमान खान, वो इंडस्ट्री में कहा जाता है, लेकिन क्या इतने अच्छे रिश्ते थे, क्या उन्होंने इतनी बड़ी जो है सेक्रीफाइस सैफ अली खान के लिए वो कर देंगे, अपने आप को जो डाल के परेशानी में, अपने आप को मुश्किल में डाल के एक सैफ अली खान के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता। मतलब इस तरह की चीजें, कई तरह की चीजें देखिए, अफवाहें उड़ती हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है, कैसे कौन मैनिपुलेट करता है तथ्यों को, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बड़ी चीजें हैं, जब तक कोई सबूत ना हो इन चीजों का, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बस ये बातें जो हवा हवाई बातें हैं जो चलती हैं, कई तरह की बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं होता। ये बाकी तो ये सारी चीजें जो है या तो सलमान जानते होंगे, सैफ अली खान जानते होंगे अगर ऐसी चीजें हैं, या हो सकता है कोई उनके आसपास जो पूरी टीम, जो हम साथ साथ हैं की जो टीम है वहां पर जो शूट कर रही थी, उनको पता होगा। तो ये मुझे इस बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बात जो है सामने आई। नीतीश जी, बातों में आप बहुत बातें हमको बता गए, बहुत अच्छी रही चर्चा आपके साथ, बड़ी जानकारियां मिली, और आप ही के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई, बड़ा गैंगस्टर हो गया है, कई राज्यों में उसके नेटवर्किंग हो गई, और वो नेटवर्किंग अपने, आपने बार बार एक वर्ड यूज किया, टेंटकल्स जो है वो अपने फैलाता जा रहा है। टेंटकल्स ऑक्टोपस के लिए यूज किया जाता है यूजली, तो ऑक्टोपस जिस तरह अपने जो है आठ टांगे वो फैलाता है, उस तरह से लॉरेंस बिश्नोई देश के अंदर जो है अपना नेटवर्क बढ़ाता जा रहा है और जेल के अंदर से भी अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहा है। हेड ऑफ ऑक्टोपस इसको कहा जाता है, हेड ऑफ ऑक्टोपस, टेंटिकल्स तो अलग अलग है बट इसका हेड जो है ऑक्टोपस का, ये लॉरेंस बिश्नोई है। या करेक्ट, हेड, हाँ, टेंटिकल्स उसने स्टेट्स में जो है लोगों को दे रखा है, और हेड जो है वो अभी जेल के अंदर बैठा हुआ है, वहां से मूवमेंट करता रहता है अपने टेंटिकल्स का। फाइन, तो बहुत बढ़िया रहा नीतीश जी, फिर कभी आप जो है इसी तरह किसी खबर पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।